हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे होंगे। तो दोस्तों, आज कुछ मैं नया ट्राई करने वाला हूँ, कुछ नया बनाने वाला हूँ। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैंने कैसे हैचिंग से डार्क से लाइट का शेड दिया था, तो उसी मेथड से उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैं आज कुछ नया बनाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आज मैं ये शिमला मिर्च की स्केच करने वाला हूँ और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखते हुए, और बड़े आराम से इसको बनाएंगे हम। बिल्कुल इसकी अच्छे से शेडिंग देंगे और बहुत अच्छे से देंगे आराम से। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं इसका पहले पेंसिल में आउटलाइन बना लिया था, और अब इसको फिर मैं उसके ऊपर मैं पेन से इसका आउटलाइन दे रहा हूँ। आप देख रहे होगे, तो आप लोग भी पहले पेंसिल ही यूज़ कर लेना, पेन से मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को इतना परफेक्टली अभी आ नहीं रहा होगा और वो लोग पहले से स्टार्टिंग से ही पेन यूज़ करेंगे तो वो ख़राब, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो आप लोग पहले पेंसिल में ट्राई करें, फिर इसके ऊपर आप पेन से आउटलाइन बना के फिर हैचिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने ये कर लिया है सारा, और मैं इसको ऊपर हैचिंग देने वाला हूँ, हैचिंग की लाइनें देने वाला हूँ। तो एक ही डायरेक्शन में पूरे में एक ही लेयर पहले इसकी सेटिंग दे देना है, फिर हम दूसरे लेयर बिल्कुल उसकी क्रॉस में चलाएंगे दूसरे डायरेक्शन में। तो मैं ये दे रहा हूँ एक ही डायरेक्शन में एक लेयर, मैंने आगे की तरफ दे दिया था और ये पीछे की पार्ट में दे रहा हूँ। ये मैंने दे दिया ये सारा, और ये थोड़ा पीछे रहेगा तो इसको हम थोड़ा डार्क करेंगे। अभी तो एक लेयर दे रहा हूँ ऐसे ही, फिर इसको मैं धीरे धीरे इसको डार्क कर दूँगा। ये पीछे की तरफ है तो जो चीज़ पीछे है तो वो थोड़ा फ्रंट से डार्क ही रहेगा, तो इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। और इसकी ये डंडी को जो है इसको भी हम सेटिंग दे देंगे, मैं दे रहा हूँ इसको आराम आराम से। तो ये एक ही डायरेक्शन में सारा जाएगा, तो ये मैंने दे दिया पूरा, तो मैंने ये पूरा एक लेयर दे दिया। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके शेडो को देंगे नीचे की तरफ, थोड़ा सा शेड देंगे इसका ताकि उसकी परछाई जो होता है। तो ये मैंने इस तरफ से अगर लाइट आ रहा है तो इस तरफ इसके शेडो होगा, तो मैं इस तरफ इसके शेडो को दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड, दूसरे साइड लाइट है तो इस साइड इसका डार्क पॉइंट रहेगा, तो मैं ये दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम फिर दूसरा लेयर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में। ये हो गया, ये मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको देना है बिल्कुल, ये आराम से बिल्कुल डिसेंट। हाँ, तो मैंने पिछली लेयर में थोड़ा आगे बढ़ा के ये दिया था, तो हम दूसरे लेयर में क्या करना है, हमको थोड़ा पीछे शेडिंग देना है। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल मैंने भर दिया था, मान लीजिए कि पहले लेयर में, दूसरे लेयर में मैं थोड़ा पीछे, क्योंकि वो लाइट से डार्क होते आएगा, तो थोड़ा सा लाइट पॉइंट रहेगा, फिर उसके पीछे डार्क पॉइंट रहेगा, धीरे धीरे डार्क होते जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को भी करना है। तो इस तरीके से मैंने फिर इसको और थोड़ा सा मैं डार्क करूँगा, फिर थोड़ा क्रॉस सेटिंग से लाइन दूँगा इसका। ये है तो पीछे का ये है, तो इसको हम डार्क करेंगे। ये मैंने कर दिया, ये कर रहा हूँ मैं इसको बिल्कुल, और डार्क करना है। तो ये धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डार्क होते जाएगा, जैसे जैसे हमारा और लेयर बढ़ते जाएगा तो ये धीरे धीरे और डार्क होते जाएगा। तो आइए इसको पूरी कंप्लीट करते हैं हम लोग। और ये दो पेन है, ये पुराना पेन है तो ये काफ़ी यूज़ हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इससे मैं भी करूँगा। जो पुराना पेन होता है उसमें डार्क होता है, जो नया पेन होता है उसके शेड थोड़ा सा लाइट रहता है, वो यूज़ उसके इंक कम फेंकता है तो वो बिल्कुल काफ़ी हल्का लाइन होता है। तो मैंने पहले नए पेन से कर लिया था, अब मैं ये पुराने पेन से कर रहा हूँ, तो इसमें देख रहे होंगे कि कितना डार्क लाइन आ रहा है।
इस तरीके से कि आप लाइट डार्क का टोन दे सकते हैं, जैसे कि हमारा एच पी पेंसिल होता है उसी तरीके से इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। जो थोड़ा सा यूज़ हो चुका है वो थोड़ा डार्क हो जाता है बाद में उसके लाइनें, और जो नया होता है वो काफ़ी लाइट रहता है। तो इस तरीके से आप नया और पुराने पेंसिल को लेके भी आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये पुराने पेन से कर रहा हूँ तो काफ़ी डार्क लाइन आ रहा है इसका और काफ़ी डार्क हो रहा है। तो अब से मैं फिर आगे बिल्कुल ये पुराने पेन से ही करूँगा, तो इसको इस तरीके से हमको करना है। और हाँ, वीडियो को एंड तक ही देखिएगा क्योंकि मैं बीच में बहुत कुछ बोलने वाला हूँ, क्योंकि उसके बारे में बताने वाला हूँ किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ लोग बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिस कर लेते हैं। मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए।
तो ये पीछे का है, तो इसको मैं और डार्क कर रहा हूँ। आप देख रहे होगे कि सारा डार्क लाइट से कैसे ही बिल्कुल इसका सेव आ रहा है। बिल्कुल सारा डार्क लाइट का ही खेल होता है। आप लोग को ये सारी चीज़ें समझना है। आप जितना अच्छे से ये डार्क लाइट को समझ सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। मैं जैसे आप कोई चीज़ देखते हो तो उसका सेव तो आपको दिख जाता है कि वो कैसे सेव है, किस तरीके के है, तो उसका आउटलाइन तो और कोई बना लेता है, आप लोग भी बना लेते हैं। पर जब सेटिंग देने की बात आ जाती है फिर हम वहीं डगमगा जाते हैं और वो चीज़ अच्छी चीज़ों को हम ख़राब कर देते हैं। उसको प्रॉपर तरीके से उसका सेटिंग दे नहीं पाते, इसलिए हम दे नहीं पाते कि उसका जो डार्क लाइट है हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ डार्क आएगा कहाँ लाइट आएगा। ये चीज़ों को हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और फिर ख़राब कर देते। तो यही चीज़ आप कभी भी कोई चीज़ बना रहे हो तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि उसका लाइट पार्ट कौन सा है, डार्क कहाँ है, लाइट से डार्क कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। ये सारे चीज़ों को पहले आप देखिए फिर बाद में ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको 70% देखिए और 30% आप स्केच कीजिए। मतलब कि एक मिनट में से 40 सेकंड आप देखो उससे कि कैसे लाइन जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। फिर 20 सेकंड आप उसको ड्रॉ करिए, फिर 40 सेकंड देखिए, फिर 20 सेकंड। तो इस तरीके से आपको ये करना है, देखना ज़्यादा है ड्रॉ कम करना है। आप कुछ लोग होता है थोड़ा सा देख लेते फिर ड्रॉ कर देते, मिटाना पड़ता है बार बार। तो इस तरीके से ना करो, आराम से करो, चाहे वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे लग जाए पर अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो आप प्रॉपर बनाने की कोशिश कीजिए, तो इस तरीके से आपको करना है। और ये पीछे के पार्ट जो है इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो पीछे का तो थोड़ा डार्क रहेगा, फ्रंट है ये, और लाइट जो होता है फ्रंट की साइड में ज़्यादा ही होता है, फिर पीछे पीछे धीरे धीरे डार्क होते जाता है। तो इस साइड से हमारा लाइट आ रहा है तो इसकी अपोजिट साइड ये पीछे की साइड थोड़ा डार्क रहेगा। और आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ मैं लाइट दे रहा हूँ कहाँ डार्क दे रहा हूँ। इस तरीके से ही आप कोशिश कर रहे हो तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से समझिए आप पहले, और इस तरीके से आप कीजिए उसको। और ये है इसको, तो ये पीछे वाले पार्ट, ये पीछे जो है इसको पूरा डार्क कर देना है, काफ़ी डार्क कर देना है, बिल्कुल और डार्क करना है इसको। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बिल्कुल डार्क कर देना है। ये बिल्कुल डार्क हो रहा है ये धीरे धीरे, तो और डार्क करना है इसको, और क्लियर में और डार्क कर दूंगा मैं इसको बिल्कुल। तो ये नीचे वाले को भी और डार्क कर देंगे, तो इस तरीके कर देना है ये बिल्कुल धीरे धीरे करके, बिल्कुल लेयर बाय लेयर देते हुए धीरे धीरे करके इसको डार्क से लाइट का जो टोन है वो बिल्कुल आराम से इसको देना है। यही एक प्रोसेस है, लोग कहते हैं कि पेन में करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे से समझिए पहले और सीखिए कि उसका सबका प्रोसेस अलग होता है, पेन का अलग होता है, पेंसिल का अलग होता है, कलर का अलग होता है। तो हम पेन को अगर पेंसिल की तरह हम यूज़ करेंगे तो वो तो ख़राब कर ही देगा वो सारे चीज़ों को। तो सबका अलग होता है, तो पेन का भी अलग है, हैचिंग का अलग है। तो ये सारे चीज़ों को हम ठीक से समझना है, तो बहुत सिंपल है। आप लोग अगर ये प्रोसेस को अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे स्केचेस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मैं रोज़ डेली मेरा अपडेट आता है वहाँ, कुछ ना कुछ मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो इस तरीके के ये मैंने दे दिया इसकी डंडियों को भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट जो भी पूछना हो, जो भी बोलना हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हो, आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।